हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऑफ फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। एवरीवन मस्ट हैव यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने देखा होगा ये हमें लेटर्स बड़े दिखाता है, कितने साइज में बड़े दिखाएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ दिस लेंस। लेट अस सपोज आई हैव टू कॉन्वेक्स लेंसेज। जो फर्स्ट लेंस है वो पैरेलल कमिंग रेज को बहुत पास में कन्वर्ज कर देता है, बट जो सेकेंड लेंस है वो पैरेलल कमिंग रेज को थोड़ा दूर कन्वर्ज करता है। इसका मतलब फर्स्ट लेंस की पार ज्यादा है, कन्वर्जिंग पार ज्यादा है, बट सेकेंड लेंस की कन्वर्जिंग पार कम है। सो वी डिफाइन इट एज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। कितनी एबिलिटी है उस लेंस की कि वो उन रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर सके या फिर डाइवर्ज कर सके। वी कैन ऑल्सो डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, और वी कैन राइट इट एज पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वेयर फोकल लेंथ हैज टू बी इन मीटर्स ओनली। नाउ यू कैन सी दैट जितनी ज्यादा लेंस की फोकल लेंथ होगी उतनी ही कम उसकी पार होगी। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ हमें ज्यादा दिख रही है और फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ हमें कम दिख रही है, तो इसकी पार ज्यादा है और सेकेंड लेंस की पार कम है। लेट्स नोट डाउन अ फ्यू मोर पॉइंट्स। एसआई यूनिट ऑफ पार, एसआई यूनिट ऑफ पार होती है डायोप्टर एंड वी डिनोट इट विथ कैपिटल डी। एंड अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, सो वी राइट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। इट मीन्स पार ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज पॉजिटिव एंड पार ऑफ कनकेव लेंसेज नेगेटिव। और हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हाइपरमेट्रोपी के करेक्शन के लिए यूज होता है और कॉनकेव लेंस माओपिक आई के डिफेक्ट की करेक्शन के लिए यूज होता है। इट्स यूज फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया। नाउ अगर हमारा लेंस दो अलग अलग कर्वेचर के सर्फेसेस से बना हुआ है, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग है, देन इन दैट केस लेट अस सपोज फर्स्ट सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और सेकेंड सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, देन द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, लेट मी डिनोट इट विथ कैपिटल एफ, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ विच द लेंस इज मेड ऑफ -1 इंटू वन अपॉन R1 -1 अपॉन R2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला अबाउट विच वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन। तो ये हमारा इस लेंस की पार के बराबर होगा। द पार ऑफ द लेंस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नाउ वेरी ऑफन वी कंबाइन टू और मोर लेंसेस। हम लेंसेस का कॉम्बिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बट क्यों? देर आर थ्री रीजन्स। फर्स्ट इज टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। अगर हमें जो इमेज मिल रही है मैग्निफाई होने के बाद इट इज स्टिल लेस मैग्निफाइड, तो हम एक और लेंस का यूज कर सकते हैं सो दैट द इमेज बिकम्स मोर मैग्निफाइड। सेकेंड, टू मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर हम लेंसेज की बात करें, लेट सपोज कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। अगर मैं एक और लेंस का यूज करूं तो मैं उसको इरेक्ट कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एंड द थर्ड केस, टू रिड्यूस सर्टेन एबरेशंस लाइक क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन। एक लेंस ज्यादा थिक हो और उसके अगर ऊपर वाइट लाइट गिरती है तो अलग अलग कलर की लाइट्स अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस होगी, जिसकी वजह से कलर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमें क्या दिखेगा, क्रोमेटिक एबरेशन दिखेंगी। तो इसलिए हम एक सिंगल थिक लेंस यूज करने के बजाय वी ओफन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस सो दैट दीज एबरेशंस कैन बी मिनिमाइज्ड, अबाउट विच वी विल डिस्कस लेटर। नाउ लेट अस सपोज आई हैव टू लेंसेस। मेरे पास दो लेंसेस हैं, मैंने इनको जस्ट इन कॉन्टैक्ट रखा है आपस में, दोनों कॉन्टैक्ट में हैं एग्जैक्टली। लेट अस सपोज इसकी पार है P1 और सेकेंड लेंस की पार है P2, देन ये जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसकी पार होगी द एडिशन ऑफ द पार ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट लेंसेस।
But here, the two lenses should be in contact with each other. Let us take an example. I have two lenses. एक की पार है पी वन विच इज इक्वल टू प्लस फोर डायप्टर एंड पी टू की पार है माइनस फाइव डायप्टर. माइनस का मतलब इट हैज टू बी अ कॉनकेव लेंस. तो पी वन पार वाला जो लेंस है उसकी पार है पी वन दैट इज प्लस फोर डायप्टर एंड इट हैज टू बी अ कॉन्वेक्स लेंस. और पी टू पार वाले लेंस की जो पार है दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव डायप्टर इट्स अ कॉनकेव लेंस. और जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की पार होगी P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू दैट इज फोर डायप्टर माइनस फाइव डायप्टर इज इक्वल टू माइनस वन डायप्टर. इट मीन्स दिस रिजल्टेंट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस जिसकी पार होगी माइनस वन डायप्टर. देर इज वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ईच लेंस इन द कॉम्बिनेशन. अगर हमारे पास जो लेंस है कॉम्बिनेशन में लेट अस सपोज इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन है एम वन और सेकेंड लेंस की मैग्निफिकेशन है एम टू देन द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन दैट इज एम इज इक्वल टू एम वन इन टू एम टू. नाउ देर इज वन मोर पॉइंट पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू विनू. जो रिजल्टेंट लेंस आएगा उसकी फोकल लेंथ है लेट सपोज कैपिटल एफ. सो वन अपॉन एफ इज विल गिव मी द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू. नाउ लेट अस सपोज फर्स्ट लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और सेकेंड लेंस कॉनकेव लेंस है. तो एफ टू की वैल्यू नेगेटिव होगी और आई कैन राइट वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन माइनस वन अपॉन एफ टू. नाउ इफ एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन देन इन दिस केस फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी पॉजिटिव. इट मीन्स दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस. द कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस. And if there is inverse, f1 की value f2 से और it's like f1 is greater than f2, then in this case it is going to be negative. Capital F negative होगा और I can write it is going, the combination is going to behave like a concave lens. And what if f1 is equal to f2? एक convex है एक concave lens है. दोनों की focal length exactly same है. So इस केस में कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी. और पावर ऑफ द लेंस विल बी जीरो. इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट. सो द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी जीरो. नाउ देयर इज अ जनरल केस इफ वी हैव टू लेंसेज विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी देन इन दिस केस द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी एफ वन एफ टू. द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ 12th फिजिक्स एनसीईआरटी. सो आई होप दिस टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज क्लियर टू यू. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ गुड डे.